पास्टर नैयर जी और बाकी इधर का गुरदासपुर का कुछ पास्टर लोग मुझे बुलाया, ऐसा हमारे दिल में खुदा ने एक बोझ दे रहे हैं। जल्द तालीम का उपदेश इधर बच्चाओं में बोझ फैला हुआ है, बस इसके लिए अभी आइए, क्या इसके लिए बात करिए। मेरे दिल्ली एनुअल में इसी जगह में आया पिछले महीना, हमारे अमेरिकन 8-9 पास्टर लोग इधर आए थे, बड़े बोझ के साथ हमने विषय के लिए प्रार्थना की। तब इनके भाई लोग खुदा का दासों का लिखित था गुरदासपुर पठानकोट मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक को एक दे दिए खड़ा होने के लिए। तब जैसा खुदा का दास लोग कहा जॉन हार्ट को आज से सब सरकार पहले बुझाने भेजा, हमारे पंजाब में इतना बड़ा मैदानी बोला, जैसे उसने रो रो तक कहा प्रभु मुझे पंजाब दे नहीं तो मुझे ले लो, रो रो थे प्रार्थना की, उसने ज्यादा बात नहीं करते थे, रो रो थे, मैंने उसका चर्च देखा मुखा का चर्च मैंने देखा, किस जगह में उन्होंने पहले बैठकर प्रार्थना करते उस जगह में गड्ढा बना हुआ, ऐसा खुदा का महान दास इधर ही आकर पंजाब के लिए रो रो थे प्रार्थना की। उन दिनों में इतना बड़ा बेदारी खुदा ने हमारे पंजाब में भेजा, हम प्रार्थना करने वालों का सामने एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। पूरा विश्वास करता हूँ पास जैसा हम लोग सब शेयर किया, आपका दर्शन आपका बहुत शेयर किया, काफी लोगों को ठहरने बिना कोई बात नहीं, आप बड़े दर्शन के साथ बोझ के साथ खड़ा हो जाए। मैं आपसे कहता हूँ ये पंजाब में नहीं, जैसा खुदा का दास लोग कहा इंडिया को ठीक करने वाले के रिवाइवल इस जगह से स्टार्ट हो गया, जैसा पास्टर और हमारा पास्टर मसीह ने कहा मेरे पीछे और संजोच कहेंगे, हम एक मन के साथ हम खड़ा हो जाए। मैंने उसे कहा था कुछ जिम्मेवारी प्रभु ने आज से 2 साल के पहले प्रभु ने मुझे दिया और उस जिम्मेवारी मुझे 2 टेन्योर प्रभु ने दिया और करीबन 10,000 से ज़्यादा खर्चे के ऊपर एक लीडरशिप बनाने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। तब मेरे दिल के अंदर ही था प्रार्थना से सब कुछ होते हैं, मैंने गुड नाइट का प्रार्थना शुरू किया मेरे हेडक्वार्टर में कुमिनाडु, 40 दिन के उपवास में मेरे के पास एक भी आया, 40 दिन उपवास में बैठकर प्रार्थना शुरू, भीड़ का भीड़ लोग आना शुरू किया, जो शमन शेड डाला शमन डाला हुआ छोटा हो गया, बढ़ता बढ़ाता गया, खुदा ने इतना बड़ा काम किया। आपको बताते हैं उस प्रार्थना में क्या हो गया, 2 काम घुमराड़ में हो गया। नंबर 1 एक हमारा घुमराड़ जंक्शन के सामने हमारा हेडपर का थोड़ा सा आगे एक सिनेमा थिएटर था, वो बंद हो गया, सिनेमा थिएटर बंद हो गया। उसके साथ हमारा हेडक्वार्टर का सहवासी एक शराब का ठेके था, वो भी बंद हो गया। प्रार्थना में क्या नहीं होगा, आप देख रहे हैं ना, घुटना टेकेगा पृथ्वी में हम बांधे के स्वर्ग में विश्वास करने वाला जोर जोर से तालियों में विश्वास करता हूँ, मैं पूरा विश्वास करता हूँ पंजाब में एक बहुत बड़ा रिवाइवल होने वाला है। इसके लिए खुदा ने आपको पंजाब का फिरने फिरने जगह से लाया। मैंने खुदा के दासों से कहा यह सिर्फ गुरदासपुर और पठानकोट के लिए नहीं, पूरा पंजाब का कौन है हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एक खुदा का दास खड़े हो जाए। अब देखते रहे ना डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा रिवाइवल आने वाला है। मैंने खुद देखा हुआ जब मैंने मुझे जिम्मेवारी खुदा ने दी, इधर बैठा हुआ काफी पास्टरों को मालूम है, काफी लोग मेरे साथ केरला भी आया हुआ, हमने तिरुवल्ला में केरला का सेंट्रल प्लेस था तिरुवल्ला, त्रिवल्ला में खुदा ने क्या किया मैं बताता हूँ। और ऐसा ही प्रोग्राम जैसा हम अभी लुधियाना के लिए सोच रहे, हमारा पंजाब का सेंटर है लुधियाना, और लुधियाना में और जैसा हमने अभी सोच कर प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा हम त्रिवल्ला में प्रोग्राम किया और 12,000 कुर्सी लगाया, 12 घंटे का प्रोग्राम सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक ऐसा प्रार्थना चलता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, मैं हमसे कहते हैं इतना खुदा का आत्मा कार्य किया, 12,000 कुर्सी नहीं लोग चारों तरफ खड़ा होने लगे, इतना बड़ा हृदय में आना शुरू हो गया। मैं पूरा विश्वास करता हूँ यदि हम एक दल के साथ हम पंजाब में खड़ा हो जाए, एक दल के साथ लुधियाना खड़ा हो जाए तो हमारा लुधियाना का प्ले ग्राउंड भी छोटा हो जाए। विश्वास करने वाला जोर जोर से तालियां बजाओ, हमारा लुधियाना का प्ले ग्राउंड क्रिश्चियन
प्ले ग्राउंड होते, वो भी भर कर लोग बाहर खड़ा होना पड़ेगा। इतना बड़ा काम खुदा करने वाला है। दूसरा बात मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट प्रेयर जरूरी, जैसा कुछ लोग का ब्लॉक बाई ब्लॉक और तहसील बाई तहसील, जैसा विलेज बाई विलेज हम बड़े बोझ के साथ इन दिनों में हम प्रार्थना करें। सचमुच में किस समय बारिश नहीं और बारिश के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा जब मैंने जिम्मेवारी जब मुझे मिला हुआ तब मैंने क्या किया, सिर्फ आईपीसी वालों को नहीं, सारे असेंबली को और चर्च को और सारे दीप और अलग अलग इंडिपेंडेंट ग्रुप सारे को इकट्ठा किए। हमारा टारगेट है सारे पेंटिकॉस्टल लोग सबसे कम इकट्ठा हो जाए, फिर क्रिश्चियन लोग हमारे सब इकट्ठा हो जाए, हम लोग देख लेना एक बहुत बड़ा रिवाइवल आने वाला। बड़े बोझ के साथ हम प्रार्थना करें। खुदा ने यह दिया हुआ बोझ के लिए, आपको प्रभु ने दिया हुआ बोझ के लिए आज इस बंदगी के लिए हमने आया। और अभी खुदा का दास वचन बोलने के बाद कुछ बात हम डिस्कशन करना, कैसा हमें प्रोग्राम करना, किधर से शुरू करना, कब कौन सा डेट में होना है, यदि लॉकडाउन है तो कैसा होगा, इसके बारे में भी हम विजन करने के लिए कम से कम 10-15 मिनट हमें चाहिए। आप प्रार्थना करें, एक बहुत बड़ा रिवाइवल हमारे देश में आने वाला है। यदि हम खड़ा हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम केरला में खड़ा हो गया गलत तालीम लोगों की शक्ति कम हो गया, गलत तालीम लोगों की शक्ति कम हो गया। प्रेज गॉड, पेंटेकोस्ट शक्ति के लिए जोर से बोलो हालेलुया। जब आत्मा का भरपूर के साथ हम खड़े हो जाए गलत तालीम अपने आप चुक जाएंगे, खुदा का काम जोर जोर से होने वाला है। इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। गॉड ब्लेस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के श्रेष्ठ दास के लिए। और सचमुच जब हम प्रार्थना करेंगे तो बड़ा बेदारी आ जाएगा। हमें आज ज़्यादा समय नहीं है। ओके, अभी हम परमेश्वर के दास के साथ जो हमारे बहुत ही आदरणीय परमेश्वर के दास पास सैम ज्योति हमारे बीच में आएंगे और हम उनसे परमेश्वर के वचन की ओर आज जो सेवका है वो करेंगे। और मैं चाहता हूँ बड़े आदर के साथ परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और सीखे प्रार्थना के साथ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे हृदय को खोल ताकि प्रभु मैं आज का वचन अपने जीवन में लेने वाला हो सकूं। प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में, मेरे चर्च के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे यहाँ आने के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बन जाए। आज मैं सीखूं और उसमें बढ़ सकूं, आज मैं सीखूं और प्रभु एक बेदारी मेरे जीवन में यहां से शुरू हो सके। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर खुदावंत खुदा ने बड़ी बेदारी यरूशलेम में भेजी, पूरा कमरा एक आग के साथ बन गया। और वही जब परमेश्वर का दास आज हमें परमेश्वर के वचन से सिखाए, हर एक के अंदर प्रभु की आत्मा झुंबश करना शुरू हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपनी प्रार्थना को सुना और पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आप अपने दास को बहुतायत से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बड़े आदर के साथ धन्यवाद करते हैं, अपनी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। ताली बजा के परमेश्वर के दास को धन्यवाद हो। जितने परमेश्वर का महान कादिम लोग आया हैं, आप सबको खुदावन परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में मैं सलाम पेश करते हैं और सबको जय मसीह की। मुझे बहुत खुशी है इस मीटिंग के लिए और खास करके इस मीटिंग के पीछे जो मकसद है, मैं लोगों का धन्यवाद देते हैं। मैंने इन दिनों में शरीर में काफ़ी क्लेश में था, लंबा सफ़र कर नहीं पाते हैं, फिर भी आराम नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ खुदा मौका देते हैं दूसरों को मदद के साथ जाते हैं। लास्ट वीक खुदा का दास पाशा का चर्च में था स्पेशल मीटिंग कुछ दिनों में, उसके बाद फिर जलंधर में वापस आया, रेस्ट नहीं मिला। मैं सभी लोग बुलाएगा तो जाने मेरे लिए मुश्किल है अभी, लेकिन प्रभु का दास पर्सन जसवीर ने मुझे फोन करके इस मीटिंग का मकसद बोला, मेरे अंदर अपने आप एक आग उबलना शुरू हो गया। तो मैंने फैसला किया किसी भी कीमत पर मैं जाएंगे, क्योंकि हम इस समय में बहुत बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में। मैं प्रभु का सभी दासों के लिए धन्यवाद देते हैं, खास करके पर्सन जेकब जॉन के लिए। भारत में खुदा सेवकाई के इस्तेमाल किया और महान प्रभु का दास है। मैं
जब से उत्तर भारत में आया उसका अगुवाई से उनके प्रेरणा से मैं अभी यहाँ तक पहुँचा है। सब राय के लिए उन्होंने मुझे खड़ा किया है, मुझे प्रेरणा दिया है, उत्साहित किया है। आज भी उनके प्यार और मदद मेरे साथ है। आज भी प्रभु का दास हमारे बीच में है और सबके लिए आशीष के कारण है। हालेलुया। काफ़ी कुछ बातें बोलने के लिए मेरे मन में हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से और शॉर्ट कर कर मैं आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। एक आयत में सबसे पहले आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं, यहूदा का पत्री, यहूदा का पत्री उसका तीसरी आयत। मेहरबानी करके कोई भी थोड़ा पढ़कर मदद कर। यहूदा का पत्री तीसरी आयत मैं पढ़ूंगा। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न कर जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यहां पर यत्न जो शब्द लिखा है उसके लिए मैं दूसरी हिंदी ट्रांसलेशन में देखा है, वहां संघर्ष लिखा है। संघर्ष लिखा है, आप लोग संघर्ष करें विश्वास के लिए, संघर्ष करते रहो। आपको मालूम है मसीही जीवन संघर्ष से भरा हुआ एक जिंदगी। मलयालम भाषा में यत्न के लिए लड़ाई के शब्द लिखा है, पोराटम। हम इसलिए संघर्ष करना पड़ते हैं क्योंकि हमारे एनिमीज बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है। हम प्रॉब्लम से डरने नहीं, लेकिन एनिमी से हमें अलर्ट रहना है, डरने की जरूरत नहीं। जैसे प्रभु का महान दास लोग कड़ा होकर हम पर एक्सप्लेन किया, ये जो समय बहुत कठिन स्थिति से, खास करके गलत तालीम के विषय में सभी खुदा का दास लोग परेशान में है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, चर्च हिस्ट्री अगर आप देखें, जब से यीशु मसीह का कलीसिया शुरू हुआ इस धरती में, तब से कलीसिया संघर्ष कर रहा है। कलीसिया फेस किया हुआ संघर्ष में अगर हम सोचे जाए, तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहले सदी में, फर्स्ट सेंचुरी में पीड़ा को, प्रोसिक्यूशन चर्च सामना करना पड़ते थे, लेकिन जब मिडिल में आ गया, 14वीं सदी में आ गया है, पैसा और पदवी शैतान कलीसिया के खिलाफ भेज दिया। परमेश्वर का विधि से कलीसिया नीचे आना शुरू हो गए। कुस्तोदिनोस उसका हिस्ट्री में हमको मालूम है, आने से चर्च का क्वालिटी कम हो गया, ज्यादा पैसा शैतान कलीसिया में छोड़ दिया और पदवी के पीछे चर्च जाने शुरू की। लेकिन इस आखिरी पीरियड में, इस लास्ट टाइम, ये आखिरी समय में शैतान का और एक ड्रामा है। चर्च फेस करने वाला सबसे बड़ा चुनौती इस समय है, ये दोनों है, प्रोसिक्यूशन भी है, पदवी भी है, सब कुछ है, लेकिन एक नया प्रॉब्लम है जो चर्चा भी फेस करता है, वो ये डुप्लीकेशन, नकली। चर्चस पूरा कंफ्यूजन है, विश्वासी लोग पूरा कंफ्यूजन है, कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, कौन सा सही है, क्या करना क्या नहीं करना। मैं अपना भाषा में बोलेगा तो पवित्र आत्मा जो डॉक्टर है, कलीसिया का पल्स पकड़ कर देखा पगली सदी में,
बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे चल रहा है। लेकिन कुछ साल जब मिडिल में आ गया, थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा कमजोर है। लेकिन आगे पवित्र आत्मा पल्स पकड़ कर देखे चर्च का, पवित्र आत्मा खुद कंफ्यूजन है, ठंडा तो वो भी नहीं है, गर्म है तो वो भी नहीं है, समझ नहीं पाते क्या। माफ करना मेरा वर्ड, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे स्थिति में चर्च पहुंच चुका है, वो ही आज का प्रॉब्लम। दूसरा कोरिन्थी, कोई भी आयत मैंने पढ़ना नहीं क्योंकि समय नहीं मेरे पास। दूसरा कोरिन्थी 11:13-15 तक जब आयत पढ़ते हैं, जितने डुप्लीकेट सेवक लोग हैं उसके बारे में उधर लिखा हुआ है, झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यवक्ता, ये सब कुछ उधर लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने और एक दृष्टांत के द्वारा इस बात को प्रकट किया है, वो ये है, लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़ियों, दो तरीके का भेड़ियों है, एक शारीरिक रूप में हमको सताने वाला, हमको पीड़ा देने वाला, दूसरा भेड़ियों के बारे में मत्ती के इंजिल 15:16 प्रेरितों का काम 20:29-30 में लिखा है, झूठे नबी और गलत शिक्षा देने वाला, साफ लिखा हुआ है। इसी के बारे में मत्ती 10:16 में यीशु मसीह ने बोला, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। इसी विषय के लिए प्रेरित पौलुस ने वार्निंग दिया था पत्रियों में, बहुत जगह में, हैरान होने की जरूरत नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको पकड़े ही वार्निंग दिया, ये होना है आखिरी समय में। प्रेरित पौलुस ने वार्निंग दिया और वचन में यह भी लिखा है, ऐसे लोगों का अंत क्या होगा। एक बात आपको बोलने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बाइबल गलत शिक्षा के खिलाफ हमको हमेशा वार्निंग देते रहे। जिरेमिया 5:30-31 में पुराना नियम का नबी लोग वार्निंग दिया था, अंत समय में झूठे नबी लोग खड़ा हो जाएगा, आखिरी समय का निशाना है। मत्ती 24:24 यीशु मसीह ने बोला, आखिरी समय में झूठे नबी लोग खड़ा हो जाएंगे। पौलुस ने बोला 2 तीमोथियो 4:30 में झूठे नबी लोग, झूठे प्रेरित लोग खड़ा हो जाएंगे। माफ करना, मैं आपको खंडन नहीं करना चाहता है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग प्रार्थना में जोड़ लिया। अब बाइबल देखिए, हम सभी प्रभु का दास लोग हैं, हम संघर्ष करने वाला 6 जगह बाइबल में लिखा है, प्रभु का दास लोग नहीं तो हम लड़ने वाला 5 जगह में बाइबल में लिखा हुआ है। और एक ही बात में अभी तक जोर लगाया, प्रार्थना में। रोमियो 15:31 में लिखा है, हाँ प्रार्थना में संघर्ष करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन अकेला प्रार्थना से नहीं चलेगा। माफ करना, 120 लोग पहले सदी में कमरा में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, अन्य भाषा बोल रहा था, आनंद उड़ा रहा था, मेरा भाषा में बोल, एक थप्पड़ मारा यीशु मसीह ने, उसका मौत चल जाओ। मैंने आपका बोला नहीं था, सारे जन लोगों को जाकर चले बनाओ, शिक्षा सिखाओ, अकेला प्रार्थना से नहीं चलेगा, हमें बाहर आना जरूरी है। हमें बाहर आकर सही सुसमाचार का प्रचार करना और सही वचन को शिक्षा देना है, नहीं तो सुधरेगा नहीं। मैं प्रार्थना का जरूरत कम नहीं कर रहा। फिलिपियों 4:3 सुसमाचार में हमने परिश्रम करना, संघर्ष करना। इब्रानियों 12:4 हम पाप के साथ लड़ना। एफेसियों 6:12 हम शैतान के साथ मल्ल युद्ध करना। अकेले प्रार्थना में नहीं, आखिरी 5 जो अभी हमने पढ़ा है, क्या लिखा है, मैंने तुम्हें यह समझाना
आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। दूसरी भाषा में लिखा है विश्वास के लिए, विश्वास के लिए लड़ना, विश्वास के लिए संघर्ष करना। आप अपना मुंह से बोल सकता है विश्वास के लिए संघर्ष करना, और बोले विश्वास के लिए संघर्ष करना। अब उधर विश्वास लिखा है, जो हम सोचते हैं वो विश्वास नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बाइबल अगर आपके पास है तो लेकर देखना है, उधर लिखा है, वहां विश्वास के लिए लिखा है ग्रीक भाषा में एप्रोनी सोमाई। उसका मीनिंग इंग्लिश में लिखा है टू कंडेंट अगेंस्ट अदर्स। द आइडिया इज टू मेंटेन द ओरिजिनल फेथ ऑफ द गॉस्पेल व्हिच वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फॉल्स टीचर्स। हम विश्वास लिखा है, लेकिन उसका सही अर्थ है गलत तालीम वालों ने जो खराब किया हुआ वचन का सच्चा सेवक बनो, उस सच्चा वचन का देखभाल करो, यही है उसका अर्थ। समरी बोलेगा तो हम सही तालीम का प्रोटेक्ट करें, हम सही वचन का बचाओ। बहुत खुश है ये जो आज का फेलोशिप एक बहुत बड़े नए शुरुआत है। अकेला प्रार्थना में नहीं, एक रिफॉर्मेशन आज शुरू हो गया है। हम ताज बजा कर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हर लोगों के समय में, फिल्मी के समय में, मूवी के समय में जैसे रिफॉर्मेशन हुआ है, ऐसे पंजाब में एक नया बेदारी का शुरुआत आज का दौर आ रहा है। हालेलुया। ये संघर्ष हम दिल से अपने पदवी के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं, शौक के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, कलीसिया का उन्नति के लिए, कलीसिया के एकता के लिए, कलीसिया सही ताली में खड़ा रहने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। मेरा भाषा में बोलेगा तो जगह जगह कमरा में हमने बैठा है, उधर से हमें बाहर आना पड़ेगा। जब हम बाहर आएगा तभी ये काम होगा, नहीं तो मैं एक बात बोलूंगा, इतिहास हमको माफ नहीं करेगा, इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। बहुत बड़े खतरा है हमारे आगे, बहुत बड़े गलत माहौल चल रहा है। आपको मालूम है, हिस्ट्री देखिए, जब चर्च वचन से दूर हो गया, गिर गया था चर्च को रिफॉर्मेशन के लिए, मार्टिन लूथर को परमेश्वर ने खड़ा किया, फिन्नी को खड़ा किया, मूडी को खड़ा किया, कितना कितना महान प्रभु का दासों को परमेश्वर ने खड़ा किया। इसी तरह आज इस जमाना में, उस जगह में मुझे और आपको परमेश्वर खड़ा कर रहा है इस माहौल को चेंज करने के लिए। बहुत बिगड़ा हुआ हालत है। आई एम सॉरी फॉर से दैट। क्रिश्चियनिटी को दूसरी मजहब का स्टाइल में लेके जा रहा है, सिख मजहब का स्टाइल में लेके जा रहा है। कपूरथला में एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है, कुछ पास्ट लोग गांव गांव जाकर अफर्मेटिव लेकर ले रहा है, जैसे स्वर्ण मंदिर के नीचे सारे गुरुद्वारा है, ऐसे सारे चर्च को कपूरथला में एक चर्च के नीचे ले आने का योजना चल रहा है। उसका खतरा है खुदा का दासों, आप लोग समझिए, बाइबल का प्रिंसिपल नहीं है, आप उसे बचना है। वो नहीं है कलीसिया का, वो एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं है, क्या बोलते हैं अमृतसर का गोल्डन टेम्पल को, हम हर मंदिर साहब है ना, हर मंदिर साहब के नीचे सारे गुरुद्वारे, जैसे कपूरथला में एक चर्च के नीचे सभी चर्चेस को ले आने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारा पंजाब, हमारे जलंधर का यूपी वाला नहीं मानेगा, यूपी का प्रेसिडेंट साहब इधर बैठा हुआ है, बाकी डिस्ट्रिक्ट हमको कोई गारंटी नहीं है। अगर प्रभु का दास लोग अगर ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाए, खुदा आपको माफ नहीं करेगा।
मॉडल बहुत अच्छा लगा। आजकल बहुत लोग बाबा मॉडल बाबा मॉडल। पिछले दिनों में मैंने एक खबर सुना, कोई पास्टर ने बोल रहा है सभी लोग लड्डू लेके आना, लड्डू लेके आना। बोलते पत्रकार मैंने बोला, मैंने सुना पवित्र आत्मा ने बोला लड्डू लेके आना। जिसका बच्चा नहीं है तब बच्चा हो जाएगा, बच्चा होने के लिए और कोई काम जाके करो, लड्डू का क्या काम करना, लड्डू के साथ बच्चों का क्या मतलब है। वो अमृतसर में मेरे उम्र इतने, अगर मेरे पास सोटी है तो डर इनसे सोटी मारना तो उसको बच्चा पैदा करने के काम है, कलीसिया का काम, कलीसिया का काम है सही तालीम सिखाओ, यीशु मसीह के दुल्हन को तैयार करो, यीशु मसीह के कलीसिया को वचन के अनुसार तैयार करो। पवित्र आत्मा को ब्लैकमेल कर रहा है, पवित्र आत्मा को मिसयूज कर रहा है। होली वाटर, होली तेल, होली रुमाल, पैसा देख के ब्लेसिंग खरीद लो, आशीष के लिए पैसा दे दो। मेरे पास समय नहीं है, क्या करें। जब हम इसके लिए खिलाफ खड़ा हो जाएंगे ना, प्रार्थना में वचन में जब हम खड़ा हो जाए, कुछ सवाल हमारे पास खड़ा होना है। वो मुल्क में समाप्त करना चाहते हैं कुछ सवाल। बहुत पास्टर लोग सोचते हैं अगर हमने शक्त का नाम प्रचार करेगा तो हमारे कलीसिया में लोग कम होगा। मैंने आपको बोलने के लिए चाहते हैं, जलंधर में मुझे पता चला कुछ चर्चेस कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, चर्च नाम के लिए शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, बोलते जाने वाला जाने दो, हमारे इधर भी आ जाओ उधर भी जाओ, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बोलने के लिए चाहता है, परमेश्वर का वचन कॉम्प्रोमाइज के खिलाफ है। अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकता तो इसराइल मिस्राइल से बाहर नहीं आ सकता था। यीशु मसीह के लोग उसे करी जाओ, प्रभु का दास हो आप, अन्य जाति से अन्य रीति रिवाज से गलत तालीम के साथ गलत सेवकों के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कुछ प्रभु का दास लोग बोला हमारा काम भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। ग्रेट कमीशन पता क्या है, चेहरा बनाओ। पढ़कर देख रहे ना, हर जगह में भीड़ और है, चेहरा और है। भीड़ को यीशु मसीह चंगाई देते हैं, भीड़ को यीशु मसीह खाना देते हैं, भीड़ को स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, स्वर्ग लेके जाएगा चेहरों को। आज चेहरों की जरूरत है, भीड़ की जरूरत नहीं है आज। दूसरा, बहुत पास्टर लोग बोलते हैं ज्यादा रोला पाने की जरूरत नहीं, बड़ा ताली बोलने की जरूरत नहीं, उधार पा लिया बस ठीक है, उधार पा लिया ठीक है। अब घर में जाकर ये जो आयत मैंने पढ़ा ध्यान से देखना, यहूदा पत्र तीसरी आयत में जाकर देखना, यहूदा प्रेरित ने पहले कॉमन सॉल्यूशन के बारे में लिखने के लिए शुरू किया, शुरू करते करते पवित्र आत्मा उसको डाइवर्ट कर दिया, बोलते नहीं तालीम के बारे में लिखो। इसलिए उधर का ध्यान से देखो क्या लिखा है, मैं जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम करने से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब भागी है कॉमन सर्वेशन, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विषय के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों का एक ही बार सौंपा गया है। पवित्र आत्मा यहूदा को बोला तालीम लिखो, तालीम के बारे में लिखो। हालेलुया, क्यों? सालवेशन और है, उपदेश अलग है। सालवेशन और है, तालीम में स्थिर रहना बात कुछ और है। और कुछ लोग कुछ पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि मैं 30-40 साल हो गए बच्चों में, कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने बोला जो काम मैंने किया
उससे ज्यादा तुम लोग करेंगे। हाँ, इसलिए हम कर रहा है, इसलिए हम कर रहा है। ईश्वर से बोला था जो काम मैंने किया उससे ज्यादा तुम करेंगे। हाँ, जो ईश्वर से ने किया उससे ज्यादा काम प्रेरितों ने किया, वो प्रेरितों का काम में है, वो पत्रियों में है, उसे बाहर नहीं जाना तू। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने बोला है जो काम मैंने किया उससे ज्यादा तुम करोगे, प्रेरितों को बोला अगर किया हो वो प्रेरितों का काम है, वो पत्रियों में है, उससे बाहर जाने के लिए खुदा का दासो हमको हक की नहीं है, हमको वचन के अंदर रहना है। समय नहीं है मुझे बोलने के लिए। यहां पर ये खुदा बोलते हैं, आप क्या लिखा किया ना, एक ही बार सौंप आ गया है। दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा है सदा सदा के लिए दे दिया है। बिल्कुल बोलिए, सदा सदा के लिए दे दिया है। ये तालीम है ना, ये वचन है ना, तेरा पोता पोती बदलने के लिए परमेश्वर ने अलाउड नहीं दिया है, ये सदा के लिए दिया हुआ तालीम है। ओ, तेरा बाप कोशिश करेगा तो बदल नहीं सकता। उसके एक बिंदी भी तू खत नहीं सकता, उड़ा देंगे तुमको, तेरा परिवार को। हालेलुया। इसलिए वचन में बना रहो, ताली में बना रहो, उपदेश में बना रहो, झूठा नबी से दूर रख लो, झूठा प्रेरितों से दूर रख लो। वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी ठहर जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। और कुछ लोगों का बहाना है, नहीं 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 हमने कोई पढ़ना नहीं, पवित्र आत्मा हमको पढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा बोलते हैं रुमाल डालो, पवित्र आत्मा बोलते हैं लड्डू लेके आओ, पवित्र आत्मा बोलते हैं नहाने नहीं, पवित्र आत्मा बोलते बाल लंबा करो। जब आप यूहन्ना के इंजिल 14:26, यूहन्ना के इंजिल 16:13-15 तक लिखा है, ईश्वर से ने बोला मैं जो बोला है वो पवित्र आत्मा आपको दोबारा से कहेंगे। स्पेशली स्पेशली पवित्र आत्मा के पास कोई प्राइवेट सेपरेट ट्यूशन सेंटर नहीं, यीशु मसीह ने जो सिखाया वही पवित्र आत्मा हमको सिखाएंगे। 15:30 में लिखा यीशु मसीह ने बोला है वो स्वयं कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेगा जो मैंने बोला है उसी में से लेके आपको सिखाएगा। बात समझ लो मेरा शिशु, यीशु मसीह ने आखिरी कमांडमेंट्स में बोला जो मैंने आपको सिखाया सारे जातियों को सिखाओ। प्रेरितों का काम दूसरी अध्याय में 7 ताली में, वो 7 ताली में एक ताली में संगति और शिक्षा लेना। प्रेरितों से क्या लेना, शिक्षा लेना। मेरा शीश भाई खुदा का दास हो, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला उधार पाने से बात नहीं, बात है कलीसिया के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दिया हुआ तालीम में हम बना रहना है, उपदेश में हमने बना रहना है। अकुमार में एफेसियों के पत्र 5:7 है, एक्सप्लेन करना मैं नहीं चाहते हैं, उसमें सब प्रेरित पास्टर प्रोफेट भविष्यवक्ता इवेंजेलिस्ट फिर कौन है टीचर, और 5 सेवकों में टीचर का क्यों रखा, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, हम लोगों को भिखारी ना बनाओ, हम चेला बनाओ। समझा नहीं, बोलो भिखारी ना बनाओ, चेला बनाए। कुछ लोग बोलते हैं आपके चर्च में तो चमत्कार होता ही नहीं, चमत्कार तो उधर ही होता है, इसीलिए हम जाते हैं। क्या चिंदपुर में सब चमत्कार नहीं होते, क्या मक्का में चमत्कार नहीं होते, हेलो, क्या कतरा में चमत्कार नहीं होते, होते। अगर उधर का चमत्कार सही है तो मैं आज इधर नहीं होना। मैं एक बार चिंदपुर में गया टीम के साथ,
लोगों ने पकड़ा, शुरू हो रहा निकल रहा, भाई बलवर पकड़ कर बड़े गाली गुड़ी जाकर मत्था टेक के आ। मैं गोपुर कर सब मेरे साथ जितना भाई लोग डर गया, मैंने बोला मेरे पीछे पीछे आना, मेरे पीछे पीछे आना। मैंने बोले जैसे मैं कहने के वैसे करना। मैंने वो मंदिर के सामने किया, हिमाचल के ऊपर राज्य करने वाला दुष्ट शक्ति यीशु के नाम है बाइंड यू। लेकिन मलयालम में बोला, किसी को समझ नहीं आया। कुछ समय प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करें। हालेलुया, धन्यवाद। अपने मुंह को खोल के कुछ समय इस वचन के ऊपर ध्यान दें। सचमुच परमेश्वर के दास ने जो आज सिखाया, हमें संघर्ष करना है। हमारी जो सेवकाई है संघर्ष की। प्रभु ने कहा कि जगत तुम्हारा नहीं है, और इसीलिए हम इस जगह के परदेशी लोग, हमें संघर्ष करना है कि हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाए। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दास के लिए। मैं छोटा सा था जब इनको लाइव सुना था। हमारे चाचा जी इनको बुलाते थे, वो इनके बड़े सुनते थे इनके प्रचार को कन्वेंशनों में। और एक बार मेरे पापा ने भी शामलगंडी में कन्वेंशन कराई थी, तो इनको बुलाया था। तो उस समय हम जब देखते थे तो सचमुच एक एक तीन तीन चार चार दिन एक ही आयत में जो प्रचार करते रहते थे, तो हम वहाँ देखते रहते थे बस, कि सुनते रहते थे, कोई मिलता नहीं था। और आज मैं एक और बात को नोट किया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, कि हमने 11:30 ऑलमोस्ट 10 बजे 11 बजे 10:30 से 11 बीच के शुरू किया, कोई भी उठ के नहीं किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पास्टरों को बिठाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि सचमुच प्रभु का आत्मा यहाँ पे कार्य कर रहा है। और जो बात परमेश्वर के दास ने खुल के बोली कि कपूरथला में योजना हो रही है, तो मेरी बेनती है कि अगर आप पंजाब प्रेयर फेलोशिप के साथ जुड़ रहे हैं, आपका संबंध कपूरथला चर्च के साथ है, तो आप हमारे सदस्य नहीं। अगर आप अच्छी लगी बात ठीक है, बुरी लगी तब भी ठीक है। अगर आप, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप कपूरथला चर्च के साथ स्टाम्प पेपर लिख लिख के दे रहे हो, तो आप हमारे इस प्रेयर मूवमेंट के सदस्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर के दास ने बड़े स्पष्ट रूप से ये योजना है शैतान की, तो हमें इस योजना से बाहर आना है। हालेलुया, हमें इसी, हालेलुया की आवाज नहीं आई मुझे लग रहा है, हमें इस योजना से। अगर आप वाओ वाई ढूंढ रहे हैं कि मैं उनके साथ जाके बैठूंगा तो पता नहीं क्या बन जाऊंगा, मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ बहुत जो अभी बनती है। हमें फोन आया था जब गुरदासपुर में पिछले दिनों के साथ कपूरथला पास्टर की मीटिंग हुई, सबसे पहले हमें फोन आया था। मैं भी थोड़ा सा रुका, और हमें फोन आया था कि आप अपने चर्च में जो गुरदासपुर में मीटिंग है वो करवाओ। और हमने सिर्फ परमेश्वर को ज्यादा अहमियत दी अपने जीवन में और किसी को नहीं। और भैया ने बोला कि ठीक है करवा देंगे, लेकिन जो पास्टर संजीव जी उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन हम इसका रेंट चार्ज करते हैं। उसने बोला आपको पास्टर जी से मिलाएंगे, हमने बोला हमें यीशु मसीह से मिलना है, हमें किसी पास्टर से नहीं मिलना। उसने बोला कि हम इस जगह का रेंट चार्ज करते हैं, 20,000 रुपये होल का लगेगा, खाने के जितने लोग आएंगे उनका पर हेड लगेगा। अगर आप ये दे सकते तो अपनी मीटिंग करवा सकते, नहीं तो कोई होल और ढूंढ लीजिए। हम किसी पास्टर के साथ नहीं, हमारा कनेक्शन प्रार्थना में परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ है। तो जब हम परमेश्वर में खड़े हैं, तो उसके बाद प्रभु की ये योजना जो आज हुई है, ये परमेश्वर की ओर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब हम खड़े रहते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर के दास ने बड़े अच्छे से आज हमें समझाया प्रचार से। इससे पहले खास करके पंजाब में और एक बड़ा बेदारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो तेरे वचन के अनुसार हो जाए प्रभु जी। बहुत सारे बेदारी इधर हो रहा है, लेकिन
प्रभु जी वचन के अनुसार एक बेदारी हम पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये बेदारी पूरे दुनिया में पूरे हर हिंदुस्तान में फैल जाए प्रभु जी, हालेलुया, उसके लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, एक वचन के अनुसार एक बेदारी हम पर हो जाए, हालेलुया प्रभु जी, हम पर आए हुए खुदा के दासों के लिए हालेलुया, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, उनको दिया हुआ है हालेलुया बर्डन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम काफी साल से हालेलुया ये चाहते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और जगह जगह में और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट है पर प्रभु कदास के लिए इधर कम्युनिस्ट के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इतना समय आपके हजूरी में और बैठने के लिए तूने सहायता किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, सुनाओ वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए सहायता करें प्रभु जी, हालेलुया, सारे आदर महिमा और जलाल हम आपको देते हैं प्रभु जी, और जगह जगह से आए हुए खुदा के दास लोग है सही टाइम पर है और अपने हालेलुया का हमें पूछने के लिए सहायता करे प्रभु जी, हालेलुया, आदर महिमा और जलाल हम आपको देते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाल नाम से मांगते हैं, आमीन।